बिहार के बाड़ी घाटी क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण अग्निकांड के कारणों का प्रशासनिक तौर पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पास ही में स्थित ढाबे पर डीजल के अवैध रूप से रिफिलिंग होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अग्निकांड की जांच के लिए शनिवार को सदर थाने के दीवान नूर मोहम्मद मौके पर जांच के लिए पहुंचे और उन्होंने आग की भेंट चढ़े ट्रेलरों के नंबर, चैसिस नंबर तथा अन्य प्रकार की जानकारियां जुटाकर उनके मालिकों की पहचान करने की कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने पास ही में स्थित ढाबे तथा सर्विस सेंटर की भी जांच की। हालांकि उन्होंने आग लगने के कारणों के बारे में बताया कि जांच की जा रही है, अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मौके के हालात उक्त अग्निकांड के लिए यहाँ पर अवैध रूप से की जाने वाली डीजल की अवैध रिफिलिंग की ओर इंगित कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि आसपास में डीजल को स्टोरेज करने के लिए कुछ ड्रम भी आग की भेंट चढ़े हुए मिले हैं। उधर अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहां पर अवैध रूप से डीजल बिक्री का काम होता है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को भी जिस टैंकर में आग लगी थी उससे एक मोटर के सहारे डीजल निकालने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान टैंकर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते टैंकर चालक पास ही में खड़े ट्रेलर की बैटरी को टॉर्चन कर उसे स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान बैटरी में निकली चिंगारियों के कारण आग लग गई। उधर टैंकर में आग लगते ही मौके पर उपस्थित सभी लोग बाहर से भाग छूटे। जानकारी यह भी मिली है कि प्रारंभ में फौरी तौर पर कुछ लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आग की चपेट में आ गए। आग की चपेट में आए लोग एकेएच के आउटडोर में प्राथमिक उपचार लेने के बाद वहां से फरार होने की भी जानकारी मिल रही है। जानकारी यह भी है कि बाड़ी घाटी में जिस स्थान पर अग्निकांड हुआ है वहां पर स्थित ढाबा तथा सर्विस सेंटर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। अग्निकांड के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ब्यावर उपखंड में अवैध रूप से बायोडीजल का कारोबार फल फूल रहा है। उपखंड में पहले भी 2-3 बार पुलिस तथा रसद विभाग की टीम ने इस प्रकार के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ कर चुकी है। बावजूद इस कारोबार पर नकेल नहीं कसी जा सकी है, जिसके कारण अब यह काम धड़ल्ले से शहरी क्षेत्र के बाहरी इलाकों में होने लगा है। ब्यावर में बाड़ी घाटी के पास होटल के पास टैंकर खड़ा था, जिसमें अचानक आग लग गई थी, जिसके पास 3 गाड़ियां थी, तीनों गाड़ियां वे टैंकर चारों पूरी पूर्ण रूप से जल गए थे। पीछे 10 मोटरसाइकिल थी वो भी जल गए थे, और इसकी हम नाम पता मालूम कर रहे हैं RTO ऑफिस से, और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।